नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपके चरणों में विनम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रमाणिक सामग्री समय समय पर मिलती रहे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से बात करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से चर्चा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक अपने जीवन में अपने भाग्य का पूरा लाभ किस तरह ले सकता है, अपने भाग्य का पूरा लाभ किस तरह से वो ले सकता है। देखिए, जिसका भाग्य अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है। अगर व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा तो अगर वह रेगिस्तान में भी चला जाएगा उसको वहां भी पानी मिल जाएगा। तो भाई, कुंडली में भाग्य का भाव कौन सा होता है? नौवां होता है। नौवां भाव भाग्य का होता है। जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें लगन में एक लिखा जाता है, पहले भाव में एक अंक लिखा जाता है। जैसे मैंने जहाँ काल पुरुष की कुंडली बनाई है और लगन में एक अंक लिखा है, काल पुरुष की कुंडली में जो नवम भाव है उसका मालिक कौन बनता है? नौ राशि आ गई, उसका मालिक गुरु बनता है, बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति का मतलब क्या हुआ? बृहद मतलब बड़ा, वस्त वैपति मतलब बचाने वाला, प्रोटेक्टर। बृहस्पति मतलब बहुत बड़ा बचाने वाला ग्रह, जो जीवन में हमारी रक्षा करता है, यह एक रक्षक ग्रह है। भाग्य का कारक भी यही ग्रह है। तो जो ग्रह, जो घर बृहस्पति से नवम भाव में होगा, बृहस्पति से जो नवम भाव होगा वो भाव बताएगा कि हम अपना भाग्य उदय किस तरह से कर सकते हैं। हमने कुंडली में केवल बृहस्पति ढूंढना है और उससे नवम भाव को देखना है। मैंने जो आगे चर्चा करनी है उसमें आपको पूरा पूरा बता देना है कि बृहस्पति किस घर में पड़ा हो तो क्या फल देता है, और किस घर में पड़ा हो तो हम अपना भाग्य उदय किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लगन की बात करते हैं। अगर बृहस्पति महाराज पहले घर में विराजमान हो, शुभ हो और पहले घर में विराजमान हो तो बहुत ही शुभ योग बनता है कुंडली में। इस तरह के बृहस्पति जितने भी कुंडली में अशुभ योग होते हैं उनको नष्ट करने की समर्था रखते हैं, उनको नष्ट करने में सक्षम होते हैं। जैसे आंधी आती है ना, तो वो जो मिट्टी होती है उसको उड़ाकर ले जाती है। इसी तरह देव गुरु बृहस्पति अगर लगन में विराजमान हो तो सभी अशुभ योगों को उड़ाकर ले जाते हैं, यानी कि अशुभ योगों में बहुत कमी कर देते हैं। बृहस्पति क्या है? फैलाव, एक्सटेंशन, ये है बृहस्पति। तो ये धन, पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, परिवार, विद्या, इन सब चीजों का फैलाव करते हैं। यानी जिस जातक की कुंडली में लगन में शुभ बृहस्पति पड़ा हो उनके पास इन सब चीजें का अपने जीवन में फैलाव होता रहता है, यानी कि उम्र के साथ ये सब चीजें बढ़ती रहती हैं। लगन में बृहस्पति वालों का शरीर सुंदर व तंदुरुस्त होता है और फैलाव है बृहस्पति। जाते अभी हमने कहा कि फैलाव है, तो इसलिए जो भी संपत्ति होती है घर में, चाहे पैतृक हो चाहे दूसरी हो, ऐसे ही परिस्थितियां बन जाती हैं कि उसका मालिक ये अकेला ही होता है। जिसकी लगन में बृहस्पति पड़ा होता है पूरी की पूरी संपत्ति उसको मिल जाती है।
या तो उसका कोई भाई बहन नहीं होता, या किसी कारणवश उसका भाई बहन कहता है कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है प्रॉपर्टी की, धन की। ऐसे सरकमस्टांस बन जाते हैं, ऐसी घर में परिस्थितियां बन जाती हैं कि पूरी की पूरी संपत्ति का मालिक जे जातक हो जाते हैं। देखिए बृहस्पति पहले भाव में हो गए तो इनसे नौवां भाव होगा, नौवां जे वाला, जे इनसे नौवां भाव होगा। तो जब लगन में नव के में बृहस्पति होंगे तो इनसे नवम भाव भाग्य का भाव बनेगा। तो व्यक्ति अपने भाग्य का पूरा लाभ तब ले सकेगा जब जातक ईमानदारी से काम करे, किसी से ठगी ना लगाए, किसी के पैसे ना मारे, ईमानदारी जितनी हो सके अपने जीवन में बरते उतना ही इसका भाग्य इसका साथ देगा। इसके अलावा व्यक्ति धार्मिक हो, धार्मिक का यह मतलब नहीं है कि रोज सुबह किसी धार्मिक स्थान पर जाना, मंदिर में जाकर या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर माथा रगड़ना, यह मतलब नहीं है। धार्मिक का मतलब यह है कि धर्म के प्रति आस्था रखनी और धर्म के रास्ते के ऊपर चलना। सभी धर्म एक ही रास्ता दिखलाते हैं, अच्छाई का रास्ता, यानी कि धर्म के रास्ते के ऊपर चलना। अगर इस रास्ते के ऊपर जातक चलेगा तो उसका भाग्य उसका बहुत साथ देगा। ये तो बात होगी लगन यानी पहले भाव की। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। शुभ बृहस्पति जिस जातक की कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान होता है, जातक धनवान होता है, उसकी जो वाणी होती है बहुत ही प्रभावशाली होती है। उसका बातचीत करने का जो ढंग होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शानदार होता है। अपनी वाणी से ही दूसरों को सम्मोहित करने वाला होता है। इस तरह के जातक अच्छे भोजन के शौकीन होते हैं। टीचिंग लाइन यानी किसी को विद्या देनी, बैंक के क्षेत्र में जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जैसे यूट्यूब पर भी आते हैं और भी आते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जिंदगी में दुखों से घबराना नहीं चाहिए, इस तरह के स्पीकर, या धार्मिक कोई स्पीकर होता है, धार्मिक विषय पर कोई बात करने वाला, धार्मिक कथा करने वाला, इस तरह के धंधों से पैसा कमाते हैं। अब भाई जब दूसरे भाव में गुरु होता है तो इससे नवा भाव जो बनता है वो बनता है दसवां, जे वाला, जे नवा भाव बनता है। दूसरे से नवा भाव बन गया दसवां, तो इसका जो भाग्य है इसके कर्म में छुपा है, यानी कि इसकी मेहनत ही इसके भाग्य का राज होगी। जितनी जे मेहनत करेगा उतनी ही इसके पास धन में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद में वृद्धि होगी, प्रोफेशन में वृद्धि होगी, हर चीज में वृद्धि होगी, जितनी जे मेहनत करेगा, जितना जे कर्म करेगा। ये तो होगी दूसरे भाव की बात। अब आते हैं तीसरे भाव पर, थर्ड हाउस पर। तीसरे भाव में शुभ बृहस्पति पड़ा हो तो व्यक्ति साहसी होता है। आज मैं बृहस्पति की जनरल बात कर रहा हूँ, अशुभ बृहस्पति की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे होने वाले ज्यादा अशुभ प्रभावों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरल फल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ शुभ बृहस्पति के। और हम भाग्य कैसे बढ़ा सकते हैं, मेन मुद्दा आज का यह है कि बृहस्पति के कारण हम अपना भाग्य कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर बात कर रहा हूँ। उसके लिए थोड़ी सी आपको जनरल बातें बतानी जरूरी हो जाती हैं। तो देखिए जिसके तीसरे भाव में बृहस्पति शुभ पड़ा हो वो साहसी होता है। अपना हाथ जगतनाथ, यानी कि अपने हाथ से सभी काम कर खुश होता है। उसका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, दूसरों को बात समझाने का ढंग होता है, वो बहुत शानदार होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत उम्दा होता है, हमेशा एक्शन मोड में रहता है। किसी काम कर, कोई काम हो उसको करने में हमेशा तत्पर रहता है। तो भाई जब तीसरे भाव में बृहस्पति होगा तो इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी,
निष्का नौवे भाव पर, इससे नौवा भाव कौन सा होगा, ग्यारहवा घर, ये वाला ग्यारहवा घर होगा। तो जब आमदन के घर पर घर होगा बृहस्पति तेज से नवा, तो व्यक्ति को नैतिक रूप से धन कमाना चाहिए, अनैतिक रूप से कभी भी धन नहीं कमाना चाहिए। भाई एक बात याद रखना, अगर तीसरे बृहस्पति वाला जातक अनैतिक रूप से धन कमाएगा तो धन तो कमा लेगा, लेकिन जो धन कमाएगा वो धन जब जाएगा तो असल भी लेकर जाएगा, जो नैतिक रूप से कमाया होगा, जो मेहनत से कमाया होगा उसको भी साथ लेकर जाएगा। इसलिए तीसरे बृहस्पति पड़ा हो, तीसरे गुरु पड़ा हो, तो व्यक्ति को नैतिक रूप से धन कमाना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की, चौथे भाव की। चौथे भाव में शुभ बृहस्पति पड़ा हो, वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलता है, अच्छे अच्छे वाहन मिलते हैं, जमीन जायदाद घर बहुत अच्छा मिलता है। एक बात मैं आप बताना चाहता हूँ कि जिनके चौथे भाव में बृहस्पति पड़ा हो, नोट कर लीजिए ये बात, जब कुंडली के चौथे भाव में बृहस्पति पड़ा हो तो आपको हमेशा, अगर फ्लैट में रहते हो तो ऊपरली मंजिल पर रहना चाहिए, अगर ज्यादा ही जरूरी हो तो ग्राउंड फ्लोर पर रहें, नहीं तो हमेशा ऊपरली मंजिल पर रहें। अंडरग्राउंड फ्लोर का निर्माण अपने घर में कभी ना करवाएं, अगर आप अपना घर बनाते हो तो अंडरग्राउंड फ्लोर का निर्माण कभी मत करवाएं। अगर फ्लैट वगैरह में कोई अंडरग्राउंड फ्लोर है तो उस पर भी ना रहें, अंडरग्राउंड नहीं जाना, हमने ऊपर जाना है हमेशा, तो बृहस्पति शुभ फल देगा। चौथे भाव में बृहस्पति हो, जातक के दोस्त अच्छे होते हैं, नौकरों चाकरों से युक्त होता है, तो इससे जो नवम भाव बनता है वो बनता है बारहवा। तो इसका भाग्य कब साथ देगा, जब दूसरों की मदद करेगा, कोई गरीब इसके पास आ जाए या इसका दोस्ती आ जाए, बहुत मुसीबत में हो उसको इसको उसकी मदद करनी चाहिए, बीमारों का इलाज करवाना चाहिए, उससे इसका भाग्योदय होगा। और जितने इसके संबंध विदेश से बनेंगे, कोई इस तरह का काम कर ले जिससे विदेश में संबंध बने, विदेश से धन लाभ आए, तो इन चीजों से इस व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। ये तो बात होगी चौथे घर की। अब बात करते हैं पंचम घर की, फिफ्थ हाउस की। जिसके पंचम भाव में शुभ गुरु होता है बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इस तरह के जातक, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है, विद्या के क्षेत्र से अच्छा लाभ कमाते हैं, दूसरों को विद्या वगैरह देकर अच्छा लाभ कमाते हैं, अच्छे टीचर होते हैं। इनके अगर बृहस्पति पंचम भाव में अपने घर का पड़ा हो, यानी कि अपनी राशि का पड़ा हो, नौवीं राशि या बारहवीं राशि धनु का पड़ा हो या मीन का पड़ा हो, तो भाई पुत्र संतान में विलंब देते देखा गया है। अगर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो तो ये योग थोड़ा ज्यादा फल देने वाला हो जाता है, पुत्र संतान में विलंब होता है। अगर बृहस्पति अपने घर का हो, अकेला हो, किसी की दृष्टि ना हो, पांचवें घर में पड़ा हो। जिनके पांचवें बृहस्पति पड़ा हो वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी बहुत मदद करते हैं, अगर दसम भाव भी अच्छा हो तो एमपी एमएलए तक पहुंचते देखे गए हैं। जब बृहस्पति पंचम भाव में पड़ा होता है तो इससे जो नवम भाव बनता है वो लगन का बनता है, पहला भाव बनता है, तो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी से, क्योंकि लगन का भाव वो जो होता है वो सेल्फ का होता है, खुद की पर्सनैलिटी का होता है। पर्सनैलिटी का मतलब जान ले कि अपनी आदतों से व्यक्तियों का भाग्योदय होता है। अब आदतें व्यक्ति में क्या सी होनी चाहिए, गुरु जैसी होनी चाहिए, विद्वानों जैसी होनी चाहिए। जैसे बहुत बड़े विद्वानों की आदतें होती हैं, जितना हो सके व्यक्ति को अपनी आदतें उनके अनुसार रखनी चाहिए, तो इसका भाग्य इसका पूरा पूरा साथ देगा। अब अगले घर की बात करते हैं,
जब गुरुदेव छठे घर में विराजमान हो जाएं, अगर जब शुभ गुरुदेव छठे घर में विराजमान हो जाएं, तो इस तरह के जातक आमतौर पर नौकरी करते देखे गए हैं। इनके दुश्मन नहीं होते। गुरु सॉफ्ट ग्रह है मगर इनके दुश्मन नहीं होते अगर शुभ पड़े हो। ऋण वगैरह भी नहीं होता, अगर लेना भी पड़ जाए तो बहुत आसानी से उतार देते हैं। मिल भी बहुत आसानी से जाता है और उतार भी बहुत आसानी से देते हैं। रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं शुभ भाव तो। इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। जहां ये काम करते हैं वहां इनका इज्जत मान बहुत अच्छा होता है। इनको थोड़ा अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका ध्यान रखना चाहिए, पेट वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी दृष्टि इसका से जो नौवां भाव बनेगा वो बनेगा दूसरा, ये नौवां भाव बनेगा। तो भाग्य उदय कब होगा? जब जातक फिजूल खर्च ना करे, ऐयाशी में खर्च ना करे, स्त्रीबाजी में या स्त्री हो तो पुरुषों के चक्कर में, इस चक्कर में खर्च ना करे, धन संचित करे, सोना संचित करे, गोल्ड को संचित करे, हार्ड कैश को संचित करे। इसकी जो किस्मत होती है वो धन से जुड़ी हुई होती है। जितना धन संचित करेगा, जितना धन कमाने की कोशिश करेगा, उतना ही इसकी जिंदगी में सभी सुख आराम भरते जाएंगे, सभी सुख आरामों में वृद्धि होती जाएगी। अब आते हैं सेवंथ हाउस के ऊपर, सातवें भाव के ऊपर। सातवें भाव में बृहस्पति जिनका शुभ होता है तो भाई इस तरह के जातक अपने पिता से अधिक नेम एंड फेम वाले होते हैं। उनका इस दुनिया में अपने पिता से अधिक नाम होता है, उनके पास पिता से अधिक पैसा होता है, पिता से अधिक संपत्ति होती है। इस तरह के जातक भाग्यवान होते हैं। पति पत्नी इनके यानी जो पार्टनर होता है, जीवन साथी होता है, भाग्यशाली होता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है। अगर शुभ बृहस्पति हो, बृहस्पति मैरिज को बचाने की कोशिश करता है, मगर एक चीज का जहां ध्यान रखना चाहिए, अगर बृहस्पति अपने घर का आ जाए, यानी धनु राशि का आ जाए या मीन राशि का आ जाए और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो, तो जातक के जीवन साथी का या तो स्वास्थ्य खराब रहेगा या इनमें अनबन रहेगी। अगर दोनों की कुंडलियों में सप्तम भाव अच्छा ना हो तो भाई नौबत कई बार तलाक तक को आ जाती है। जिनके सप्तम भाव में अपने घर का बृहस्पति हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, अकेला पड़ा हो, अगर इसके साथ कोई ग्रह हो किसी की दृष्टि पड़ रही हो, फिर ये बहुत शुभ हो जाता है। तो इससे जो नवम भाव बनता है वो बनता है तीसरा। तो इस तरह का जातक का भाग्य उदय कब होता है? जब इस तरह का जातक हमेशा ही एक्शन मोड में रहे, यानी कि कोई भी काम हो हमेशा तत्पर रहे काम करने के लिए, पराक्रमी रहे, आलसी ना हो, पराक्रमी रहे, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखे। और शादी के बाद इस तरह के जातकों का भाग्य उदय होता है। ये तो हो गई सातवें घर की बात। अब चलते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव भाई बहुत ही विचित्र भाव है, बहुत ही रहस्यमय भाव है। जैसे राहु बहुत रहस्यमय ग्रह है ना, इसी तरह से अष्टम भाव बहुत ही रहस्यमय भाव है। तो अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए, शुभ हो, तो ये बहुत अच्छी उम्र देते हैं जातक को। मौत भी बहुत अच्छी देते हैं। मौत तो भाई सबकी होनी है, अच्छी मौत हो जाए, इससे बढ़कर अच्छा काम क्या हो सकता है। सुख पूर्वक इस संसार को जातक अलविदा कह दे, इस मृत्यु लोक को जातक अलविदा कह दे, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मृत्यु भी अच्छी देता है शुभ बृहस्पति अष्टम भाव में हो। अचानक लाभ करवाता है जातक को, वसीयत से लाभ करवाता है, बीमे से लाभ करवाता है,
किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु के बाद लाभ करवाता है। और जातक को उसके जीवन में जो भी मिलता है उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि मुझे इतना मिल जाएगा, अगर शुभ बृहस्पति आठवें भाव में पड़ा हो। डायबिटीज वगैरह हो जाती है, चलो इसके बारे में फिर बात करेंगे, आज का टॉपिक नहीं है ये। तो अष्टम से जो नवा घर बनता है वो बनता है चौथा। तो जातक जितनी संपत्ति का निर्माण करेगा, जितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, जितना घर उसका सुंदर होगा, जितने अच्छे संबंध उसके माता से होंगे, जितना आशीर्वाद वो माता से लेगा उतना ही उसका भाग्य साथ देगा, उतना ही वो भाग्यवान होगा। संपत्ति का निर्माण जितना करता जाएगा भाग्य उतना ही साथ देता जाएगा। जितना घर उसका सुंदर होगा, घर अच्छा डेकोरेट करके रखना चाहिए इस तरह के जातकों को, उतना ही इसका भाग्य साथ देता चला जाएगा। ये तो बात होगी आठवें घर की। अब आते हैं नवम भाव पर, भाग्य भाव पर ही आ गए। शुभ बृहस्पति भाग्य भाव में पड़ा हो, जातक प्रोफेसर होते हैं, टीचिंग लाइन में बहुत ऊपर चले जाते हैं, लेक्चरर होते हैं, बहुत बड़े धार्मिक प्रीचर्स होते हैं, धार्मिक शिक्षा देने वाले होते हैं, समाज में बहुत आदरणीय होते हैं, संतान बहुत गुणवान होती है, अच्छी संतान से युक्त होते हैं। तो भाई नवम से नवम कौन सा भाव हो गया? पांचवा। ये नवम से नवम भाव हो गया। तो जातक का भाग्य कब साथ देगा? जब जातक बेईमानी ना करे किसी से, जो कहे वही करे, ऐसा ना हो कमिटमेंट किसी से कुछ कर ले और काम कोई दूसरा कर दे, ऐसा नहीं करना। और अपना ज्ञान अपनी नॉलेज बढ़ाए, नौकरी करता हो या बिजनेस करता हो, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए स्किल्स आ रहे हैं, यानी कि अपने आप को जो नई टेक्नोलॉजी है, नए जमाना है, नए जमाने के हिसाब से अपडेट रखे तो बहुत कामयाब होता है। इसके अलावा किसी की इमोशंस यानी किसी का दिल ना दुखाए, तो इस तरह के जातकों का भाग्य इनका बहुत साथ देता है। अब बात करते हैं टेंथ हाउस की। कर्म के भाव में अगर बृहस्पति महाराज आ जाए तो जातक दूसरों की मदद करने वाला होता है, धनी होता है, जिम्मेदार होते हैं इस तरह के जातक, बहुत भूमि से युक्त होते हैं, भान के सुख वाले होते हैं, माता से लाभ पाने वाले होते हैं, बैंक की नौकरी से अच्छा लाभ कमाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में ये बताते हैं कि किस शेयर में कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए, किस म्यूचुअल फंड में कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए, इस तरह की एडवाइस देते हैं। फैक्ट्रियां लगाते हैं, उनसे लाभ कमाते हैं, कोई चीज बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, वहां से लाभ कमाते हैं, बड़े धार्मिक लीडर होते हैं, अच्छा सरकारी पद प्राप्त कर लेते हैं अगर दशमेश अच्छा हो, तो ये सब चीजें देता है दशम भाव में बृहस्पति। इससे जो नवम भाव बनता है वो बनता है छठा। तो जातक का भाग्योदय तब होगा जातक का चरित्र इस तरह का हो कि उसके दुश्मन भी उसकी रिस्पेक्ट करे। बहुत बड़ी बात है ये कि जातक के दुश्मन भी जातक की रिस्पेक्ट करे, और दूसरा उसमें कंपटीशन की भावना हो, प्रतिस्पर्धा की भावना हो। कोई दुकानदार है, बगल में कोई दूसरी दुकान खुल गई, तो अपनी पूरी प्लानिंग बनाए कि इसको फेल कैसे करना है, और उसकी प्लानिंग पूरी कामयाब होगी। तभी इस तरह दसवें गुरु वाले जातक बड़ा कंपिटेटिव एग्जाम क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में ये कामयाब होते हैं। जितना कंपटीशन करेंगे उतना कामयाब होंगे, जितनी प्रतिस्पर्धा होगी इनके जीवन में उतनी इनको कामयाबी मिलेगी। ये तो होगी दसवें घर की बात। अब ग्यारहवें घर में आते हैं आमदनी के घर में। ग्यारहवें घर में बृहस्पति हो जातक बहुत महत्वाकांक्षी होता है, मल्टीपल इनकम के सोर्स होते हैं, इनकम के कई साधन होते हैं शुभ बृहस्पति हो।
अच्छी सफलता हासिल करता है जातक अपने जीवन में। इसके आसपास लोगों का अच्छा नेटवर्क होता है, मित्र बहुत होते हैं, सोशल सर्कल बहुत होता है, बड़े बड़े लोग इसके मित्र होते हैं। इस तरह के जातक भी विद्या के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, जैसे किसी फैक्ट्री के मैनेजर हो गए, इनको पता होता है कि किसके किससे किस तरह का व्यवहार कर काम लेना है, किससे गुस्से में बात करनी है, किससे प्यार से काम लेना है, तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत कामयाब होते हैं। मीडिया के क्षेत्र में, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, अखबार वगैरह या टीवी वगैरह, जो एंकर होते हैं, किसी की इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, इस तरह के क्षेत्र में बहुत कामयाब होते हैं, अच्छी आमदनी करते हैं। तो भाई ग्यारहवें भाव से जो नवा भाव हो गया, वो हो गया सातवां भाव। तो इस तरह के जातक तब भाग्यशाली होंगे, इनका भाग्य तब साथ देगा जब ये अपने पति या पत्नी की इज्जत करते हो, दिल से इज्जत करते हो, तब इनका भाग साथ इनका साथ देगा। इसके अलावा जब ये गरीब बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करेंगे, गरीब बच्चे पढ़ सके, विद्या हासिल कर सके, शिक्षा हासिल कर सके, उनकी पढ़ाई पर पैसा खर्च करेंगे, तो इनका भाग्य इनका बहुत साथ देगा। अब बारहवें भाव पर आते हैं, द्वादश भाव पर आते हैं। जिनके बारहवें भाव में गुरु पड़ा हो, शुभ गुरु पड़ा हो, तो भाई इस तरह के जातक बहुत दयालु होते हैं। कोई भी व्यक्ति इनके पास अपनी समस्या लेकर जाए तो तुरंत इनका दिल पिघल जाता है और उसकी हेल्प कर देते हैं। अगर धनवान हो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवाते हैं जिनमें गरीबों का मुफ्त इलाज तक करवा देते हैं। विदेश से, विदेश की भूमि से अच्छा धन लाभ प्राप्त करते देखे गए हैं। तो भाई बारहवें घर में बृहस्पति हो तो उससे नवम भाव कौन सा बनेगा? आठवां। तो इनका भाग्य उदय कब साथ देगा? जब जी अपना हर काम गुप्त रखे, हर काम सीक्रेट रखे, काम करने से पहले ढोल मत पीटे कि मैंने कल को ये काम करना है, मैंने परसों को ये काम करना है, मेरी प्लानिंग ये है, मेरी प्लानिंग वो है, किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं करनी। आपने टॉप सीक्रेट रखनी अपनी सभी बातें, अपने लाइफ पार्टनर से भी बात ज्यादा शेयर नहीं करनी, जितनी जरूरी हो उतनी शेयर करनी है, तब आपका भाग्य उदय आपका पूरा साथ देगा। और इसके अलावा जितनी ज्यादा आप दयालु होंगे, जितनी ज्यादा गरीबों की मदद करोगे, बेसहारों की मदद करोगे, मजदूरों की मदद करोगे, गरीब बंदों से अच्छा व्यवहार रखोगे, उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि बृहस्पति को कुंडली में देखकर, ये देखकर कि बृहस्पति कुंडली के किस घर में विराजमान है, हम पता लगा सकते हैं कि हम क्या करें कि हमारा भाग्य हमारा साथ दे। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका धन्यवादी हूँ। थैंक्स।